نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد यह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है जिसका बयान पिछले जुमा में शुरू किया गया था और ना तमाम रहा। हदीस के अल्फाज ये हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिह, तुम में से जो शख्स कोई बुरी बात या बुरा काम होते हुए देखे तो उसको चाहिए कि उसे अपने हाथ से बदल दे। फइल्लम यस्तते फबिलिसानी, अगर हाथ से तब्दीली पैदा करने की ताकत न हो तो जबान से बदल दे। फइल्लम यस्तते फबिकल्बी, अगर जबान से बदलने की भी ताकत न हो तो दिल से बदल दे। वज़ालिक अज़ाफुल ईमान, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। ये हदीस है जिसका बयान पिछले जुमा में शुरू किया था और इसके जो पहले दो दर्जात हैं उनकी किसी कदर तफसील अर्ज की गई थी कि अगर किसी शख्स को किसी जगह इख्तियार हासिल है, इख्तदार हासिल है और वो किसी बुराई को अपने हाथ से रोक सकता है तो उस पर वाजिब है कि अपने हाथ से रोके। जैसा कि कोई शख्स किसी खानदान का सरबरा है और अपनी औलाद को, बीवी बच्चों को या घर वालों को, मातहतों को गलत काम करता हुआ देख रहा है तो उसको ताकत हासिल है उसको रोक देने की, तो उस पर वाजिब है कि उसको रोक दे। जहां इसकी ताकत ना हो तो क्या हाथ से रोके, तो दूसरा दर्जा बयान फरमाया कि जबान से रोक दे, जबान से तब्दीली पैदा कर दे। और जबान से तब्दीली पैदा करने का माना यह है कि उसको नसीहत करे, बताए, समझाए। पिछले जो मैं अर्ज किया था कि उसके लिए भी हिकमत की और नरमी और शफकत और मोहब्बत की जरूरत है, उस मोहब्बत और शफकत के साथ बात कही जाए तो अल्लाह ताला उसमें तासीर पैदा करता है। तीसरा दर्जा आखिरी ये बयान फरमाया कि अगर किसी में जबान से रोकने की भी ताकत नहीं, हाथ से रोकने की तो है ही नहीं, जबान से रोकने की भी ताकत नहीं। जबान से रोकने की ताकत इस तरह नहीं कि अंदेशा है कि अगर मैं कुछ कहूंगा, जबान से कोई बात कहूंगा, नसीहत करूंगा तो या तो दूसरा आदमी मुझे उसके नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ पहुंचाएगा या कोई बड़ा फितना खड़ा हो जाए जो उस बुराई से भी ज्यादा बुरा है, ऐसा फितना खड़ा हो जाए, तो उस सूरत में तीसरा दर्जा बयान फरमाया गया है कि उस वक्त में दिल से बुरा समझे उसको, कम अज कम दिल में ये बात हो कि भाई ये काम जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा, बुरा हो रहा है, दिल से बुरा समझे। लेकिन पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो फरमाया कि जबान से कहने की ताकत न हो तो फिर ये तीसरा दर्जा आता है,
तो सवाल ये पैदा होता है कि जबान से कहने की ताकत तो हर वक्त है, जब एक बुराई होती नजर आ रही है तो जबान से कहने की ताकत तो हर वक्त है, इल्ला एक आदमी गूंगा ही हो, गूंगा भी हो तो कम से कम लिख के कह सकता है, इशारों से कह सकता है, तो ताकत तो बज़ाहिर है, हर वक्त है। फिर ये क्या माना कि जबान से कहने की ताकत है? तो उसका जवाब यही है कि ताकत न होने के माना यह है कि अगर चेक कह तो देगा लेकिन उसके नतायज उससे भी खराब निकलेंगे, जितनी बुराई हो रही है उससे भी बुरे नतायज निकलेंगे। तो ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात न कहना भी बेहतर है, खामोश रहना बेहतर है। मसलन एक शख्स है, वो एक गुनाह का काम कर रहा है, ऐसी कोई सुन्नत के खिलाफ कोई हरकत कर रहा है, आप उससे उसको रोकते हैं टोकते हैं, लेकिन यकीन है कि इसके नतीजे में बजाय इसके कि वो बात माने और उल्टा सुन्नत का इस्तेहज़ा शुरू कर दे, सुन्नत का मजाक उड़ाना शुरू कर दे, तो अब अगर से ताकत तो है तो उसको कहा जाए कि ये काम ना करो, सुन्नत का तरीका इख्तियार करो, लेकिन उसका नतीजा यह होगा कि पहले तो सुन्नत के खिलाफ काम कर रहा था, अब सुन्नत का मजाक उड़ाएगा तो अल्लाह बचाए कुफ्र तक का अंदेशा है। तो ऐसे मौके पर बाज़ औक़ात रुक जाना मुनासिब होता है, फिर उस वक्त में दिल से बुरा करते हैं। याद आया कि एक बुजुर्ग थे इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आमश सुलेमान उनका नाम था, सुलेमान इब्न मेहरान आमश, बड़े दर्जे के मुहद्दिसीन में से हैं, फुकहा में से भी हैं और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, उनके हम असर भी हैं, इमाम अबू हनीफा ने उनसे हदीसें ली। इमाम आमश, आमश के माना होते हैं अरबी जबान में चुंदा, यानी वो शख्स जिसकी पलकें गिरी हुई होती हैं तो आंख में उसके नक्श पैदा हो जाता है कि कोई रोशनी अगर सामने आए तो उसकी आंख खीरा हो जाती है, रोशनी में अच्छी तरह देख नहीं सकता, उसको कहते हैं अरबी जबान में आमश। तो ये क्योंकि इनके साथ यही मामला था कि इनकी पलकें गिरी हुई थी, आंख में पलकें नहीं थी और रोशनी के सामने आने से आंखें चुंधिया जाती थी, इस वास्ते इनका लकब आमश मशहूर था। तो ये तो इनके आंख में थोड़ी सी खराबी थी। इत्तेफाक से एक शागिर्द आ गए इनके पास पढ़ने के लिए, वो शागिर्द ऐसे आए कि उनकी टांग में गड़बड़ थी, वो पांव में लंग था, तो वो आकर इनके पास बैठने लगे, इनसे सबक दर्श लेने लगे। और शागिर्द भी बाद शागिर्द तो ऐसे होते हैं कि सबक से काम सबक पढ़ा चले गए, बाद ऐसे होते हैं जो उस्ताद से लिपट ही जाते हैं और दिन रात उस्ताद के साथ जहां उस्ताद जा रहा है ये भी जा रहे हैं। तो वो शागिर्द ऐसे ही थे कि वो हर वक्त उस्ताद के साथ लगे रहते। तो जब ये दोनों कहीं बाजार में जाते तो लोग जो है इनको देख के कुछ मजाक किया करते थे कि भाई उस्ताद उस्ताद चुंधा और शागिर्द लंगड़ा, उसके पांव में लंग, तो दोनों तो लोग जो है वो जरा मजाक उदाक किया करते थे, हंसी उड़ा देते। तो एक दिन इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया